हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर सांतत एवं औपलिता शुरू करने जा रहे हैं। तो जो छात्र ने अभी कंटिन्यूटी के साथ नहीं देखा है, तो नया चैप्टर है और ये काफ़ी लंबा है, 40% कोर्स को कवर करता है। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखें, क्योंकि यदि इस चैप्टर को आपने नहीं किया तो आगे आपको दिक्कत जाएगी। तो आज से संकल्प लें कि हमने अगर पुराना कुछ ब्रेक किया है तो उसको हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी आज की तारीख से जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जो भी एक्सरसाइज है उसको टाइमली सेम डे पर आप करते जाएं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि सांतत कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि एक फलन एफ बिंदु सी पर संतत है यदि नंबर 1 एफ सी परिभाषित हो, नंबर 2 कंडीशंस इसकी लिमिट का अस्तित्व है। नंबर 3 लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल एफ सी। तो ये तीसरी वैल्यू को हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक फंक्शन सांतत कब होगा? पहली बात कि फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, डिफाइंड हो, और दूसरा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन की लिमिट सी पॉइंट पर और फंक्शन की सी पॉइंट पर वैल्यू दोनों समान आती हो। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसके कंटिन्यूटी की चेक करना है बिंदु एक्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ वन कितना होगा? 2 × 1 + 3। एक्स के स्थान पर 1 रिप्लेस कर दिया, कितना आ गया? 5। अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 2x + 3। अब हम इस पे लिमिट वैल्यू रख देंगे, 2 × 1 + 3 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 5, और ये 5 किसके इक्वल है? एफ वन के। इसका मतलब होता है कि एफ सांतत है बिंदु सी, सी यानी 1 पर। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल है, परिभाषा को हमने जो बताया था उसी के अनुरूप हमने इसको सॉल्व करना बताया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको इस पर असांतत डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमने आप सभी बच्चों ने लास्ट ईयर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ा होगा। तो हमको इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1
वन पर देखते हैं, वन माइनस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ वन। क्या करें तीनों इक्वल हैं, तब वो है बिंदु पर वन पर सांतत्व होगा। ठीक है, तो अब हम पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स, और यह इक्वल होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच। क्लियर, इसके इक्वल होता है। अब वन माइनस एच जो है, एच बहुत स्मॉल वैल्यू है तो एक से छोटी वैल्यू है, तो वन माइनस एच क्या हो जाएगा, वन माइनस एच वन से काफी छोटी वैल्यू होगी, वन से छोटी वैल्यू है। तो वन से छोटी वैल्यू होने की वजह से अगर इसकी वैल्यू वन से कम हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी, आपको देखेंगे, यह इक्वल हो जाएगा आपके लिमिट एच टेंड टू जीरो क्या आएगा, एक्स एक्स के स्थान पर क्या है, वन माइनस एच है, वन माइनस एच प्लस टू, यह रख देंगे। एक से कम की कंडीशन में क्या लिखा होगा, एक्स प्लस टू, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, वन माइनस एच। अब आप एच इक्वल टू जीरो रखिए, एच इक्वल टू जीरो रखने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस जीरो प्लस टू इक्वल थ्री। क्लियर, अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का क्या मेथड है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एच। अब यहां पर हम देखते हैं कि वन प्लस एच एक से ज्यादा है। क्लियर, वन प्लस एच क्या होगा, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के केस में क्या केस लगेगा, एक्स माइनस टू, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो x माइनस टू, तो x के स्थान पर क्या है, वन प्लस एच माइनस टू। ठीक है, अब आप h का मान जीरो रिप्लेस करिए, तो जीरो रखने पर क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो माइनस टू इक्वल माइनस वन। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं f वन, एफ वन इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू वन पर कितनी वैल्यू है, जीरो। तो हम यहां देखते हैं, क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितनी है, थ्री, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और एफ वन इसकी वैल्यू वन जीरो, तो तीनों बराबर नहीं है, यह भी बराबर नहीं है, एस भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, मतलब एफ असांतत है बिंदु एक्स बराबर एक पर। जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे नोट कर लें, इस तरह से हमको और भी क्वेश्चन हैं, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ प्रमेय है, इसकी कुछ कंडीशन को आप नोट कर लीजिए। यदि दो फंक्शन f और g कंटिन्यूस हैं, तो उनका योगफल भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका गुणनफल भी कंटिन्यूस होगा, और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। तो यदि f और g कंटिन्यूस हैं, तो उनका योगफल, डिफरेंस अंतर माइनस उनका गुणनफल और उनका भागफल,
सभी कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन को आप नोट कर लीजिए। अब ये बच्चों को हम होमवर्क में दे रहे हैं कि अभी हमने दो क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसी पे बेस्ड करके आपको ये क्वेश्चंस को कंटिन्यूटीज की चेक करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिए और हमको इसमें ग्रुप में चेक कराइए कि आपसे कितना बढ़ रहा है। ठीक,